दो प्रोजेक्ट में गिनाना चाहूंगा जो आपने कहा था लेकिन नहीं हुआ जी। एक तो शिवाजी की बड़ी वाली प्रतिमा का जल पूजन हो गया और दूसरा बुलेट ट्रेन बुलेट की तरह से प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। आपने बहुत पहला तो बहुत सही बात आपने कही, छत्रपति शिवाजी महाराज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अरबी समुद्र में बने, इसके लिए हम लोगों ने पूरा उसका जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कंप्लीट की और सारी परमिशंस के बाद हमने उसका भूमि पूजन किया, काम भी शुरू किया। लेकिन कुछ लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने तो हमारे फेवर में निर्णय दिया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया। कई दिनों तक ये स्टे चलता रहा। अभी अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो केस वापस हाईकोर्ट को दे दिए और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। मेरा विश्वास है कि हम हाईकोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे। तो ये काम इसलिए नहीं हो पाया कि कोर्ट का उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन आया था। बुलेट ट्रेन का जहां तक सवाल है, हमने बुलेट ट्रेन का काम बुलेट की तरह तैयार शुरू किया था 2.5 साल। उद्धव जी की सरकार ने कहा हमको तो बुलेट ट्रेन की जरूरत ही नहीं है, ये क्यों हम बुलेट ट्रेन करें, काम रोका था। जैसे ही नई सरकार आई बुलेट की तरह काम किया, सारा लैंड एक्विजिशन करके दे दिया, बुलेट की तरह काम शुरू हो गया है। और आप जो बुलेट ट्रेन का काम करते हैं उनको पूछिए या जापानीज साइड को पूछिए, जापानीज एम्बेसडर और जापानीज काउंसिल जनरल मेरे पास आए और उन्होंने विशेष रूप से मुझे धन्यवाद दिए और पत्र भी दिया कि आप लोगों ने जिस तेजी के साथ बुलेट ट्रेन का काम शुरू करवाया है हम आपके आभारी है। तो अब बुलेट ट्रेन में कोई अवरोध बचा नहीं है, बुलेट ट्रेन बन रही है और जल्दी ही आने वाले 2 या 2.5 साल में आप बुलेट ट्रेन में प्रवास करेंगे।